चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स। इसमें हमने क्या सीखा था, बहुत सारे डाटाज होते हैं जो हम खुद कलेक्ट करते हैं उनको बोलते हैं प्राइमरी डाटा, और जो हम सेकेंडरी सोर्सेज से लेते हैं मीन्स किसी बुक से या किसी के गूगल से लेते हैं वो क्या बोलते हैं सेकेंडरी डाटा। डाटा को हम टेबल फॉर्म में भी अरेंज कर सकते हैं, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। और इसमें जो ऑब्जर्वेशन यदि हम इस टाइप से लिखते हैं तो ये क्या होती है सारी क्लास, तो किसी भी एक को ले लो 20 30 इज अ क्लास और या ग्रुप बोला जाता है, और 20 और 30 के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको बोला क्लास की विड्थ, कितनी विड्थ है उसकी या रेंज क्या है। और 20 जो मीन्स एक होती है उसकी लोअर क्लास लिमिट, एक होती है अपर क्लास लिमिट, राइट। फ्रीक्वेंसी मीन्स एफ, फ्रीक्वेंसी मतलब होता है कितनी टाइम्स वो चीज़ रिपीट हुई, ओके। और यदि हमको फ्रीक्वेंसी और हमको ऑब्जर्वेशन मालूम है तो हम ग्राफ बना सकते हैं। कितने तरह के ग्राफ होते हैं, तीन तरह के। एक पहले ग्राफ को या चार्ट को क्या बोलते हैं, बार चार्ट। ये बार के फॉर्म होता है जैसे चॉकलेट की बार्स होती हैं, जिसमें हमने फिक्स टर्म हमेशा जो होती हैं जो वेरिएबल नहीं होते हैं जैसे ग्रॉसरी रेंट, ये फिक्स रहेंगे, ये चीज़ें नाम कभी चेंज नहीं हो रहे, और हाँ इनकी वैल्यू अलग अलग हो सकती हैं। तो जो वैल्यू एक्सपेंडिचर जो है वो वेरिएबल हम हमेशा वाई एक्सेस में रखते हैं, इसको एक्स एक्सेस में रखते हैं, और इनके बीच में क्या रखते हैं, गैप रखते हैं, और इनकी विड्थ बराबर रखते हैं, देखने में अच्छा लगे। पतला कर दोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट यूनिफॉर्म विड्थ की हम बार्स चॉकलेट बार की तरह बार्स बनाते हैं, जिसको बोला बार चार्ट। सेकेंड टाइप के ग्राफ को क्या बोलते हैं, हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम में हमने कहा था है तो बिल्कुल बार चार्ट की तरह, बस इसके बीच में गैप नहीं होता है, और इनकी विड्थ जो होती है यूनिफॉर्म बिल्कुल बार चार्ट की तरह यूनिफॉर्म होती है, गैप नहीं है। और यहाँ हिस्टोग्राम हम नॉर्मली कहाँ बनाते हैं, जहाँ पे हमको ऑब्जर्वेशन इस क्लास फॉर्म में दिया हो, डिफरेंट क्लास या ग्रुप्स दिए हों, तब हमारे लिए इजी हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, जो लेफ्ट साइड जो है लोअर लिमिट से, लोअर लिमिट को स्टार्ट करते हैं, इनकी विड्थ यूनिफॉर्म विड्थ देखते हैं कि देखो 0 से 10, 10 की विड्थ है, तो जैसे इस केस में 35 से लेके 35.5, 5 की विड्थ है, तो वो जो हमने ये जो ग्राफ बनाया होगा तो उसमें क्या था यूनिफॉर्म विड्थ पे पॉइंट ड्रॉ करते हैं। तो एक ग्राफ पेपर लेते हैं, उस पर ऐसे करके ड्रॉ करते हैं, और जो भी फ्रीक्वेंसी होती है ये स्टूडेंट है या कोई भी एग्जाम्पल दिए उनको यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं, एंड देन फिर हम इनको बना लेते हैं, दिस कॉल्ड हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम बनाते समय हम एक बेसिक गलती करते हैं, वो क्या गलती हो सकती है, यदि हमारी जो क्लास है यदि डायरेक्टली यहाँ 0 से 10 दी हुई है, जैसे यदि इस केस के अंदर डायरेक्टली 0 से 20 की वैल्यू दे दी है, राइट, सपोज इट इज 7, तो ये गलती हम कर सकते हैं। जैसे यहाँ 70 से 90 सब बराबर है, यदि आपको सिर्फ डायरेक्ट दिया हो 70 से 90, यहाँ तो अलग अलग क्लास है और यहाँ आपको एक ही साथ दे दी, तो हम ये गलती करते हैं बहुत बार। तो हमको इसको क्या करना होता है, नॉर्मलाइज या एडजस्ट करना होता है फ्रीक्वेंसी। एडजस्ट कैसे करते हैं, जैसे 70 से 100 तीन में, तो तीनों में बराबर बराबर डिवाइड कर देते हैं, राइट, सो दैट हमारी जो क्लास की विड्थ है बराबर होता है। तो उसको हमको बहुत बार इसको एडजस्ट करना पड़ता है चीज़ों को, सो दैट फ्रीक्वेंसी किसके विड्थ के बेसिस में हम फ्रीक्वेंसी फिक्स कर देते हैं। तो हिस्टोग्राम बनाते समय ये ध्यान रखना है। एक और चीज़ हमने सीखा, तो फ्रीक्वेंसी पॉलीग्राम मीन्स हिस्टोग्राम बना लिया, तो उसके सेंटर पॉइंट्स यदि निकाल लें और उन सबको एक लाइन से कनेक्ट कर दें, और इससे पहले क्लास से मतलब जहाँ से हम हिस्टोग्राम बनाए उससे पहले और उसके बाद में भी सेंटर पॉइंट है, तो ये जो ए बी सी डी ई एफ जी क्या बोलते हैं हिस्टोग्राम बना। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या थी, इस पॉलीग्राम के अंदर फ्रीक्वेंसी पॉलीग्राम और हिस्टोग्राम जो बार चार्ट हैं उनका जो एरिया होता है क्या होता है एग्जैक्टली सेम होता है। हमने एक और चीज़ भी सीखी थी, बिना हिस्टोग्राम बनाए भी हम पॉलीगन्स बना सकते हैं, राइट। उसमें हमको क्या करना था, हर क्लास का मिड पॉइंट निकाल लेना था और उस मिड पॉइंट पर फ्रीक्वेंसी दी हुई है, बस वो ड्रॉ कर देनी थी। तो एग्जैक्टली सेम वे में हमने इसको ड्रॉ किया था। जब हमको डाटा दिए होते हैं तो हम उसका मीन निकालते हैं, मीन निकालने मीन्स एवरेज, तो सम करते हैं और जितने नंबर हैं उतने से डिवाइड कर देते हैं, एक सिंपल तरीका ये होता है। एक और अच्छा तरीका होता है, हम इसको इसी चीज को कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं सिग्मा, ये सिग्मा होता है, या पढ़ा कैसे होता है सम, सम ऑफ एक्स आई, ये x1 2 3 4 की जगह एक्स आई लिख दिया। और आई कहाँ से देखो, यहाँ 1 से लेकर 5 तक, तो आई स्टार्टिंग कहाँ से, 1 से हो रहा है और कहाँ एंड हो रहा है 5, तो आई इज इक्वल टू 1 स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टू 5। तो हम इसको कैसे पढ़ते हैं, सम ऑफ एक्स आई वेयर आई स्टार्ट फ्रॉम 1 टू 5 डिवाइड बाय जो नीचे 5 है 5। तो हम मीन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यदि हमको बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी दी हुई है तो हम क्या करते हैं उसको टेबुलर फॉर्म में बनाते हैं। और यदि ये 5n फॉर्म में, यदि nth नंबर है, n नंबर्स हैं, तो हम इसको कैसे लिखेंगे मीन को, और मीन को हमको एक्स बार ऐसे लिखा जाता है। तो हम कैसे पढ़ेंगे, सम ऑफ एक्स आई वेयर आई इज वेरी फ्रॉम 1 टू n और डिवाइडेड बाय n। यदि हमको टेबुलर फॉर्म में डाटा दिए हैं, बहुत सारे मार्क्स दिए हैं, राइट, और फ्रीक्वेंसी दी है, तो हम क्या करते हैं इसको एक्स आई इसको एफ आई बोलते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं,
सारी फ्रीक्वेंसी को ऐड कर लेते हैं तो उसको कह सकते हैं सम ऑफ फ्रीक्वेंसी फ्रॉम i1 to 13, क्योंकि यहाँ पे 13 हमारी डिफरेंट कॉलम्स थे, रोज थी सॉरी। सेम ने इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन को मैं यहाँ पूरों को सबको ऐड करूँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, और जब मैं इसको ऐसे लिखता हूँ मीन निकालना है तो मैं मीन कैसे लिख सकता हूँ, फॉर्मूला क्या होता है, आप डायरेक्ट रखो एक्स बार मीन्स मीन इज इक्वल टू सम ऑफ एक्स आई इंटू एफ आई मीन्स ये वाला एक्स आई इंटू एफ आई एंड आई इज वेरिंग फ्रॉम 1 से लेके एन तक। और सेम वे में हमने यहाँ फ्रीक्वेंसी ऐड किया तो क्या लिखते हैं सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज डिवाइडेड एफ आई वेर आई इज वेरिंग फ्रॉम 1 to n। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मीन, ये हमने सीखा था इसमें। और क्या चीज़ सीखी थी इसके अंदर, इंपॉर्टेंट चीज़ हमने एक सीखी थी मीडियन। मीडियन मीन्स मिड वैल्यू। मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं, डाटा को असेंडिंग डिसेंडिंग अभी में अरेंज करते हैं और उसमें एक चीज़ देखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो एन ऑब्जर्वेशन है वो ऑड है या इवन है। यदि ऑड है तो बिल्कुल सेंटर वाला एक ही फिगर आएगी, वो क्या होगी n+1/2 निकाल लो, जो ऑब्जर्वेशन होगा वो मीडियन होगा। यदि ये इवन है तो नंबर्स क्या होंगे, सेंटर में दो नंबर्स होंगे, एक होगा n/2 की वो ऑब्जर्वेशन और दूसरा उसका अगला वाला नेक्स्ट n n n/2+1 नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन। मीन आपको निकालना है तो हमको सेंटर पॉइंट इन दोनों नंबर का निकालना है, n/2 और n+2 का जो मिस जो ये ऑब्जर्वेशन है ये किसी दो नंबर के बीच में मीन निकालना है, सेंटर वैल्यू निकालने क्या होता है इसका मीन निकालो, तो जो सेंटर वैल्यू क्या आएगी दैट इज कॉल्ड मीडियन। इसलिए हम लिखते हैं मीडियन इज मीन ऑफ दीज टू ऑब्जर्वेशन। लास्ट चीज थी मोड। हम बोलते हैं आपका मूड कैसा है, मूड मीन जो ज्यादातर जनता का मूड होता है, जैसे इलेक्शन है बोलते हैं इस बार कौन जीतेगी बीजेपी या कांग्रेस, राइट, किस तरफ लहर है। तो मीन्स सेम वे में नंबर्स के बीच में लहर की तरह मीन्स हाइएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वेशन, जिसकी फ्रीक्वेंसी जो नंबर सबसे ज्यादा आ रहे हैं दैट इज अ